हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस नर्सरी में। हम आपको आज बहुत ही अच्छे अच्छे पौधे दिखाने वाले हैं। सबसे पहला जो पौधा हम दिखा रहे हैं, इस पौधे का नाम है कैंडिला फ्लावर, जो कि समर सीजन खिलना स्टार्ट हो जाता है और बहुत ही अच्छा खिलता है, बहुत ही ज़्यादा खिलता है। इसे आप अपने घर पे जरूर लगाएं, गमले में लगा सकते हैं, जमीन में लगा सकते हैं। और चलिए और अपनी नर्सरी की पौधे आपको दिखाएंगे। इस पौधे को आप देख लीजिए, इस पौधे का नाम है कैंडिला फ्लावर। एक क्रिसमस ट्री है जो आप इंडोर और आउटडोर दोनों लगा सकते हैं। और ये हमारे पूरे नर्सरी को आप काम भी दिखाते हैं। शाम आप इंडिया है, बिगनिया है, पिटूनिया है, चाइना पाम है, एरिका पाम है, बोगनवेली है, समी है, नारियल है, मधुमालती है। देखिए इस बहुत सारे पौधे हैं जो आप अपने घर और बगीचे में लगा सकते हैं, गार्डन लगा सकते हैं। इधर देखिए, इधर रंग बिरंगी क्रोटान है जो बहुत ही सुंदर होता है। आपको हम जो पौधे दिखा रहे हैं वो आप इस नर्सरी पाएंगे तो आपको पौधा मिल जाएगा। इधर डहलिया है, एरिका पाम है, बहुत सारे पौधे हैं। देखिए बहुत ही सुंदर खिला हुआ है डहलिया फ्लावर। अब जनवरी का महीना चल रहा है और बहुत सारे खिल रहे हैं। देखिए नारंगी नींबू है, ये बहुत सारा फरा हुआ है। इसे आप अपने गमले में, अपने बगीचे में, अपने गार्डन या टेरेस गार्डन भी कर सकते हैं, लगा सकते हैं। इधर भी आपके पौधे हैं, कटहल का है, बेल का है, लीची का है। आइए हम आपको अपनी नर्सरी का सैर कराते हैं और बहुत सारे पौधे दिखाते हैं। ये सभी आम के पौधे हैं जो कि बहुत सारी वैरायटी का पौधा है। नर्सरी पूरा पीछे तक है, अभी आपको पीछे तक दिखाते हैं। यूकेलिप्टस है और पीछे बहुत सारे फूल लगे हुए हैं, गुलदावरी का है, कैंडिला का है, डेंटस का है। देखिए डेंटस फ्लावर है, गेंदा है, कैंडिला है, आस्टर है, जो कि बहुत ही अच्छा खिला हुआ है और बहुत ही सुंदर खिला हुआ है। अभी आपको हम बहुत अच्छे अच्छे फूल दिखाने वाले हैं जो कि आप गर्मियों में लगा सकते हैं। गर्मियों में लगाने वाले पौधे आपको हम दिखाने वाले हैं, गर्मियों में लगाने वाले गेंदे के पौधे दिखाने वाले हैं। वीडियो देखते रहिए और आपको हम पौधे दिखाते रहेंगे। सभी आम की वैरायटी का है। सबसे अच्छा आम की वैरायटी सौरेखा है, जो बहुत ही अच्छा होता है। एक गेंदा लग चुका है गर्मी में, अब ये खिलना भी एक महीने में स्टार्ट हो जाएगा। और इसके बाद देखिए ये आपका गर्मी में खिला है फ्रेंच गेंदा है, फ्रेंच मैरीगोल्ड गेंदा, ये बहुत ही अच्छा खिलता है। मैरून कलर खिलता है और पीला रेड खिलता है, जो कि बहुत ही अच्छा होता है। पूरा गर्मी भर ये खिलेगा, छोटा खिलता है, छोटा सा पौधा भी होता है, छोटे गमले में भी लगा सकते हैं। इसके बाद आपको हम रेड गेंदा दिखा रहे हैं, रेड गेंदा भी बहुत अच्छा खिलता है, इसे फ्रेंच या जाफरी गेंदा भी कहते हैं। देख लीजिए ये छोटा सा पौधा होता है, बहुत ज़्यादा खिलता है, इसे अपने घर पर आप जरूर लगाएं। इसके बाद हम आपको गुलदावरी का पौधा दिखाने वाले हैं, जो कि बहुत ही अच्छा खिला हुआ है। ये देखिए कितना शानदार व्यू आ रहा है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमेशा आपको वीडियो हम डालते रहेंगे, आप देखते रहिएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं और जो लाइक किए हैं। जो नहीं किए हैं वो लाइक कर दें और सब्सक्राइब करें। देखिए बहुत ही अच्छा फूल खिला हुआ है। इस पौधे का नाम है गुलदावरी, जो कि बहुत ही सुंदर खिला हुआ है। ये रेड कलर का है, देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। इसे आप अपने घर पर जरूर लगाएं। इस साल लगा लेंगे तो हर साल आपके घर पर खिलता रहेगा, कभी वो पौधा ख़त्म नहीं होता है। इसे अपने घर पर जरूर लगाएं। गुलदावरी का पौधा जब सीजन आता है नवंबर से दिसंबर और जनवरी मार्च तक, ये बहुत ही अच्छा फूल खिलता है, बहुत ही लंबा चलता है, हजारों फूल इसमें खिलते हैं। इसे केवल आपको एक ही बार लगाना है, लगा छोड़ देना है, ये बहुत सारा फूल खिलेगा जब इसका सीजन आ जाएगा। तो ये विंटर सीजन का फ्लावर है। अभी जनवरी का महीना चल रहा है, देखिए कितना खूबसूरत पौधा खिला हुआ है और ठंडे ठंडे हवा भी चल रही है। इसमें वाइट भी कलर है, पीला भी है और रेड है और पिंक भी है, बहुत सारे कलर इसमें आपके आते हैं। इसे आप एक बार जरूर अपने घर लगाइए, ये गुलदावरी का पौधा।
उसके बाद आपको हम शो प्लांट दिखाने वाले हैं जो आप घर के अंदर और रूम के अंदर, आप अपने घर के अंदर और बाहर कहीं ले जा सकते हैं। ये सब देखिए पौधा सब इंडोर प्लांट है, एयर प्योरीफाई प्लांट है, जिसे आप रूम के अंदर जरूर लगाएं। ये सांग ऑफ इंडिया बड़ा वाला है जो कि बहुत ही खूबसूरत पौधा होता है। इसके आगे आपके गर्म मसाला है, दालचीनी है, रुद्राज का पौधा है जो कि रुद्राज अब फलना भी स्टार्ट हो गया है, इसे अपने घर में जरूर लगाएं। इसके बाद अड़हुल है, क्रिसमस ट्री है, दसीना है, मधुमालती है जो कि बहुत शानदार होता है पौधा। ये सब इंडोर प्लांट है, इसे आप अपने घर के अंदर और गार्डन या गैलरी में भी लगा सकते हैं। ये सब पौधे शो प्लांट होते हैं और जो कि बहुत ही सुंदर होते हैं, इसे अपने घर पे आप जरूर लगाएं। ये देखिए बोगनवेली फ्लावर है जो कि बहुत ही अच्छा खिलता है, लता होता है, बारह महीना खिलता है। देखिए हम आपको दिखा रहे हैं अपने नर्सरी का व्यू जो आप देख रहे हैं। ये आपका सांग ऑफ इंडिया है जो कि बहुत ही खूबसूरत पौधा होता है, इसे आप इंडोर आउटडोर कहीं भी लगा सकते हैं अपने गार्डन में। देखिए बहुत ही खूबसूरत है पौधा। ये पंजी फ्लावर है, इसे बटरफ्लाई भी कहते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा होता है और बहुत ही सुंदर होता है। ये आपका खिलेगा मार्च अप्रैल तक खिलेगा। ये क्रिसमस ट्री का पौधा है जो कि बहुत ही देखने में अच्छा लगता है और इंडोर प्लांट है, इसे आप अपने रूम के अंदर और बाहर या अपने गार्डन लगा देंगे तो जमीन लगाएंगे तो बहुत ही बड़ा होता है और देखने में बहुत ही सुंदर होता है। ये विंटर फ्लावर है जो अभी तक खिल रहे हैं और अभी दो तीन महीना और खिलेंगे, इसे आप लगा लेंगे तो हमेशा बहुत ही अच्छा खिलता रहेगा। इसमें जो बीज होता है बीज आप रख लेंगे तो अगले साल इसे आपको जमाने में काम आएगा। ये देखिए आपका चाइना पाम है, लिपस्टिक पाम है, एक क्रोटान है, ये आपका फोनिस पाम है जो कि देखने में बहुत ही सुंदर होता है और सिंगल होता है, इसे आप अपने घर पर जरूर लगाएं। एयर प्योरीफाई प्लांट है, इसे एयर का पाम भी कहते हैं, इसे आप अपने घर पर जरूर लगाएं। नारियल का पौधा आप घर पे लगा सकते हैं अगर जगह है तो जमीन लगाने के लिए। नर्सरी का मेरा पूरा व्यू देखिए बहुत ही अच्छा है। अभी हम आपको लास्ट में डहेलिया का पौधा दिखाने वाले हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत पौधा खिला हुआ है। देखिए इसी प्रकार आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर आएँ इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद।